हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स यानी कि कल्चर को अच्छे से समझा। आज हम इस बुक का, हेरिटेज एंड कल्चर की क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करणदीप, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई बात है। सबसे खूबसूरत बात है इस चैप्टर की, इसमें रट्टे वाली वो चीज़ें उतनी नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ज़्यादा है, लेकिन सरलता से लिखी हुई कुछ लाइनों में गूढ़े एमसीक्यू हैं जो पहले भी आ गए हैं और आते रहते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। शुरुआत, आज आपने देखो मैंने अजीब तरीके से बातें लिखी हैं, वो नहीं किया जो रोज़ करते हैं, ज़रूरत भी नहीं। आज मैं एक्सप्लेनेशन मोड में चलूँगा जैसे हम करते हैं हमेशा। वर्ड्स मैंने सारे लिख लिए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा और मैं फटाफट फिर किताब से इंग्लिश में पढ़ भी दूंगा। पहले एक्सप्लेन देन रीड, ताकि कोई जर्क ना बचे। ओके स्टार्ट। हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है ट्रेबेशियन, वॉसर्स, इंडो सरासेनिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। देखिए 7th-8th सेंचुरी का समय हुआ करता था, सिमी 7th-8th सेंचुरी का समय हुआ करता था जब ईस्ट और वेस्ट की ओर प्रसार हुआ इस्लाम का। इस्लाम अरबिक लैंड से उत्पन्न हुआ एक धर्म पूर्व की ओर भी गया और पश्चिम की ओर भी गया। पूर्व को मशरिक कहते थे, पश्चिम को मगरेब। मगरेब का इलाका कौन सा हो सकता है? आज अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएं, उसका बिल्कुल वेस्ट से ऊपर नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र जहां एटलस माउंटेन आते हैं, इस क्षेत्र को मगरेब का इलाका भी कहा जाता था, यानी कि मरक्को के क्षेत्र। और वहीं से ज़मीन ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से थोड़ी सी टच होती ही है अगर बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ना आ जाए, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ जाती है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशियन। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जल की वो महीन धारा जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आप मरक्को शुरू हुए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते स्पेन में पहुंच जाते हैं। ओके तो वेस्ट में स्पेन की ओर, ईस्ट में इंडिया की ओर 7th-8th सेंचुरी में इस्लाम का पेनिट्रेशन हुआ। 7th सेंचुरी के दौरान भारत में इस्लाम आया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी गलती मत करिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसे लाने वाले शुरुआती लोग जो हैं वो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे। वॉरियर्स के तहत पहले नहीं आया, इनके तहत पहले आया है, इसके बाद द होली मैन एंड देन द वॉरियर्स, द किंग्स। इस तरह से ये आप तक पहुंचा है। ओके आप सब जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र आपने सुना है, अरबों का शासन। भारत तक ये पेनेट्रेट हुए थे, और जिस समय की ये बातें हैं तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि सबसे पहले भारत में वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें इस्लामिस्ट कल्चर से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वर्क्स हुए हों। तो वो भारत का वेस्ट का क्षेत्र, गुजरात और सिंध का इलाका, गुजरात एंड सिंध, दिस इज़ अनदर एमसीक्यू। लेकिन याद कैसे किया? लॉजिक। ओके गुजरात एंड सिंध के क्षेत्रों में 7th सेंचुरी से ही मुस्लिम आर्किटेक्चर से जुड़े निर्माण कार्य होने लग गए थे, लेकिन भारत के स्तर पर बड़े लेवल पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जो हुई हैं वो 13th सेंचुरी के समय में हुई हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाय द तुर्किश रूलर, द तुर्किश रूलर। यहाँ पर जब मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ सिमी, मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ द घ्यूरिड्स, यानी कि मोहम्मद घोरी। महमूद ऑफ गजनवी के बाद भारत पे मोहम्मद ऑफ घोरी ने, घोर के मोहम्मद ने
आक्रमण किए और मोहम्मद घोरी से हुए युद्धों में ही तराई के द्वितीय युद्ध में द सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। यह युद्ध भारत में महत्वपूर्ण युद्ध है, इसने भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। भारत में मुस्लिम शासन की पक्की सत्ता स्थापित हुई। 1192-94 के समय के दौरान लड़े गए इन युद्धों को जिन्हें तराई के युद्ध कहते हैं, इसके बाद यहाँ पर घोरी का शासन हुआ जिसने अपने जर्नैल कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ दिया और उसके बाद उसी जर्नैल ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद महत्वपूर्ण शासक उसके जमाता, उसके जवाई, उसके सन इन लॉ बने जिनका नाम था इल्तुतमिश, जिसे आप अल्तमश भी कहते हैं। सो वेरी बिग किंग, वह अच्छा शासक था, बड़ा भी था। और आगे शासन उनकी बेटी का हुआ, रजिया सुल्ताना। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश तक और आगे बलबन की भी बात आएगी, क्योंकि ये सभी के सभी किन्हीं न किन्हीं मंडियों से खरीदे गए दास थे, स्लेव थे, तो इन्हें स्लेव डायनेस्टी कह के पुकारा गया, स्लेव डायनेस्टी। लगभग 1200 ऑनवर्ड्स यही स्लेव डायनेस्टी है जिसने दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और यहाँ से अपने प्रचार प्रसार का कार्यक्रम आरंभ किया। बस इसी समय में निर्माण के बड़े बड़े कार्य नजर आएंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है कुतुब मीनार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सेंट के नाम पर बनवाया है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हम जिक्र उसका भी करेंगे। तो इस तरह के बड़े स्केल के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आपको तुर्क शासकों के द्वारा दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद देखने को मिले। बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या क्या इसके पहले इस तरह के ग्रैंडाइज स्केल पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं थी? पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ा के हटाऊँ, इतना क्या पढ़ा हमने? क्या हमने नहीं देखा चंदेलों के समय का खजुराहो, क्या सोलंकियों के समय का गुजरात, क्या चोलों के, पल्लवों के, पांड्यों के, विजयनगरों के समय, विजयनगर तो चलिए आएंगे, चोल पल्लव पांड्यों के समय का दक्षिण तमिलनाडु देखा है ना, पूर्व बंगाल पालों के समय का, उड़ीसा, ये सब हमने देखे। भारत में भव्य निर्माण कार्य पहले से भी थे, बहुत ही ग्रैंडाइज स्केल पर चीज़ों का निर्माण हो रहा था, तो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स भारत में थे, स्केल था, स्टाइलिस्टिक पैटर्न्स भारत में थे, डेकोरेटिव फॉर्म्स भारत में थी, किस क्या शेप देनी है, क्या स्टाइल उसको प्रोवाइड करना है भारत में था। लेकिन कुछ अंतर थे जो भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, मेनली आप उसको कह सकते हैं कि वो ट्रेबिएशन एग्जिस्ट कर रहा था। व्हाट डू मीन बाय द ट्रेबिएशन? ट्रेबिएशन इज कि पिलर है, ब्रैकेट है, लिंटल है, दैट इज द ट्रेबिएशन। क्या देखा था हमने? पल्लवों से, चोलों से होते हुए पांड्यों तक, पिलर, ब्रैकेट, और ये पिलर और ये पिलर और इस पे लिंटल, वद्रा दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। ये ट्रिबिएशन मेथड भारत में एग्जिस्ट कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें भारत में थीं। हम कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ से देखेंगे भी, समझेंगे भी। ओ क्या पिलर्स थे, ब्रैकेट्स थीं, लिंटल थे, पिलर्स थे, ब्रैकेट्स थीं हरनूर, और लिंटल भी थे, ओके? और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पोस्ट यानी कि पिलर, ओयागी कई कुछ है इसमें, पोस्ट यानी कि पिलर्स, ओके आई कम फॉरवर्ड, पोस्ट यानी कि पिलर्स और उस पे रखा ये लिंटल, नहीं आ रहा? ओ यार समझ आ गया, बस दिख रहा है ना, बच्चे होशियार हैं। पिलर और लिंटल जैसे थड़े बनाते हो घर के बाहर बैठने के लिए पटिया रख के, बस वही है, ओके।
और कुछ? ये तो भारत में था सिमी, ऐसी चीजें भारत में थी मेरे बच्चे, लेकिन कुछ चीजें नहीं थी। वज़ायर्स नहीं थे, क्या होते हैं ये समझा दूंगा। आर्कुएट स्टाइल नहीं था, जब आप ट्रेबिएशन मेथड के वाया चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, पिलर्स, ब्रैकेट्स, लिंटल, तब आप क्या करते थे? आर्चेस थी, वुडन हुआ करती थी और स्टोन की हुआ करती थी, लेकिन पर्पस डेकोरेटिव ज़्यादा रहता था। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उनका इतना पर्पस नहीं रहता था। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो आप पिलर, ब्रैकेट और लिंटल से देते थे, और ज़्यादातर आपका तरीका क्या था? स्केयर पैटर्न पे स्टोन ब्लॉक्स को इंटरलॉक करके एक के ऊपर एक रखते जाना। आपने ऐसे ही बनाया ना विमान, और ऊपर उत्तर में शिखर। लेकिन अब क्या होगा? अब एक परिवर्तन आएगा। जब मुस्लिम शासन आएगा तो उस समय में आर्चेस का रोल बदल जाएगा। ये केवल वुडन या स्टोन में एक डेकोरेटिव फीचर या फिर एक फंक्शनल पर्पस के तौर पर उस तरह से नहीं आएंगी, ये आधारशिला बन जाएंगी उनके नए स्ट्रक्चर्स का। वो आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे जिसमें वसॉयर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय द वसॉयर्स? दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ द स्टोन ब्लॉक्स, वास फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों को इधर से उठाया और सेंटर में फिट किया कीस्टोन। सेंटर में क्या फिट किया? कीस्टोन। और ये पूरा का पूरा डोम आर्च किस पे खड़ी है? पेंडेटिव्स या स्क्विंचेस। किन पे खड़ी है? पेंडेटिव्स या स्क्विंचेस, इन पर खड़ी है पूरी आर्क। इसकी मदद से आप क्या बना पाए? भव्य डोम, द बिग डोम्स, द टोटली पिलरलेस रू, पिलरलेस सरफेस, फ्री स्पेस फॉर द कम्युनिटी वर्शिप, फ्री स्पेस फॉर द भव्य सभागृह। नो पिलर्स, नो हिंड्रेंसेज, मूव हेड एंड देयर, फ्री विजन टू द माइटी एम्पायर, उसके और उसकी प्रजा के बीच कोई नहीं, आपके और आपके खुदा के बीच कोई नहीं, उसके और उसके जस्टिस के बीच कोई नहीं, और ईश्वर की एक ही छत होती है जो भव्य होती है, यानी कि खुदा की। सब उसके नीचे जुड़ेंगे, कोई अवरुद्ध नहीं। ये भव्य इमारतें, ये डोम सेटअप, ये आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर मुस्लिम समय के बाद आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी तरह से पिछला आर्किटेक्चरल फॉर्म खत्म हो गया। पिलर्स थे, ब्रैकेट्स थी और लिंटल भी थे। कैसे होगा? पिलर्स, ब्रैकेट्स, लिंटल, नीचे से आर्चेस गुजर रही हैं। आर्च, लिंटल, देखे होंगे आपने ऐसे आर्किटेक्चर, ध्यान से देखिएगा। आज भी बनते हैं जलंधर में, शहरों में क्या करते हैं अपन? पिलर, आर्च, ऊपर से दे देते हैं एक लिंटल, सुंदर लुक देने के लिए, चिलम लुक। ओके, आपकी कॉलोनी में है सिम्मी ऐसा एक घर अगली गली में, ढूंढना आपको है बेटा। पूरी लोकेशन तो GPS नहीं दूंगा आपको मैं, मतलब बट व्हाट यू वांट कि मैं आपको कोई ऐसी टैगिंग दे दूं, जियो टैगिंग जैसी चीज़ ना, इसी से घुर जाऊँगे जाकर बेडरूम में, बता दिया बस बहुत है। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा जब यहाँ पर मुस्लिम आए, भारत में बड़े स्केल पर चीज़ों के निर्माण करने की कला, भारत का अपना एक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ट्रेबिएशन टेक्नोलॉजी मेथड एग्जिस्ट कर रहा था, उसको तो अपना ही लेंगे वो, उसमें एक अपना जोड़ेंगे ला करके। दैट इज़ द डोम सिस्टम, द आर्कुएट सिस्टम, द आर्कुएट सिस्टम। और वो वसॉयर्स की मदद से होगा, जिसको हम कह रहे हैं क्या, इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन ब्लॉक्स विद द हेल्प ऑफ द की स्टोन। एंड द रेस्टिंग प्लेस ऑफ दिस बिग ह्यूमंगस आर्च, इस डोम के अंदर ये घर, वो घर, वो सारे आ जाएंगे, इतना बड़ा है ये। इसका रेस्टिंग द पेंडेटिव्स, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थंब,
जैसा देखिएगा रेलगाड़ी के पुल होते हैं ना लोहे वाले, उस पे ये इस तरह से एक आर्च आकर के गिरती है, फिर दूसरी इधर से उधर जाके गिरती है, स्क्विंचेस उन पे आके गिरती हैं। जैसा वो इमेजिन करो हावड़ा ब्रिज एक कोने से दूसरे कोने सीधा ही, ओके? तो कीस्टोन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीस्टोन निकाला, आर्च फड़क कलप्स, सारा गेम कीस्टोन का है। ये कीस्टोन तकनीक इन्होंने पता लगा ली ना, जिसमें इनको योगदान किसने दिया, ये कीस्टोन टेक्निक इन्होंने कैसे विकसित कर ली, 12th से 16th-17th सेंचुरी के समय में एक आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ था जिसे हम कहते हैं गॉथिक, द गॉथिक स्टाइल, द पिनेकल्स, पिनेकल स्टाइल, द हाइट बेस्ड स्टाइल, जो कि यूरोपियन रेनेसेंस का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने क्लासिकल रोमन स्टाइल को रिवाइव करने की कोशिश की थी। उसी गोथिक स्टाइल से इंस्पायर हुए जब तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल पे, और उसका नाम रखा इस्तांबुल। तो 1453 का तुर्कों का उस कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण और बाइजेंटाइन एम्पायर का अंत, तो वहां से फिर उत्पन्न हुआ ये कीस्टोन आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन द मुस्लिम सिस्टम, और वो बहुत तेजी से भारत में भी पेनिट्रेट हुआ। आई बात समझ में? तो क्योंकि वो शासक उधर बाद में गए, भारत में भी आए, मैंने क्या बताया, मर्चेंट ट्रेडर्स होली मैन ये समय समय से आ रहे थे, तो आर्किटेक्चरल डायग्राम्स स्केचेस लेआउट्स उनका पेनिट्रेशन निरंतर होता रहा, और 13th-14th सेंचुरी में इस तरह की चीज़ों का आपको धीरे धीरे निर्माण वो आरंभ होता नजर आया। ओके, ये नहीं कि आते दिन ही पहले दिन ही बना के बैठ गए वो डोम, समय लगा। गोल गुंबद जैसी बिल्डिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है इस दिशा में। यार करंदी, चाहे आर्कुएट स्टाइल उन्होंने विकसित कर लिया और चाहे भारत में ट्रिबेशन स्टाइल था, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना, मुस्लिम्स जब भारत आए तो उनके आर्किटेक्चरल फीचर, गर्मी है उनके यार नाम ले लेता हूँ, गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती, नाम किसका लें यार। चाहे मुस्लिम जब भारत आए वो जिन जिन के साथ इंटरेक्ट करके आए उनके फीचर साथ ले गया, जैसे पर्शियंस ईरानियंस, वो फीचर तो भारत आएंगे उनके साथ, ऊपर से भारत में जिन क्षेत्रों में आकर के वो खेमे गाड़ गए वहाँ के लोकल फीचर्स, जैसे यहाँ का, यहाँ के कौन से फीचर्स, यहाँ का हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जैन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो सूफियों की खानकाहों का निर्माण बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के फीचर्स पे होगा, देख लेना। ओके, और मुस्लिम आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस भारतीय आर्किटेक्चरल स्टाइल का बहुत रहेगा, चाहे वो क्या शेप क्या स्टाइल देना है, क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स और क्या डेकोरेटिव पैटर्न रखने हैं, इन सब चीज़ों में प्रभाव तो नज़र आएगा। इसलिए वो वहाँ से इस्लाम अपने साथ अलग अलग क्षेत्रों के गुण लाया, भारतीय मौजूदा अलग अलग गुणों को अपना लिया, ब्लेंड मिक्स डेवलप हुआ, जिसे हम भारत में उस मिक्सचर के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको एक सिंगल नेम से पुकारना है तो नेम इज़ इंडो सरसैनिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इट इज अ मिक्सचर। सारा सैनिक क्या है, वो जो सीरिया का क्षेत्र है ना जिसे अपन सारस कह के पुकारते थे, उन क्षेत्र में अलग अलग घुमंतू कबीले, द नोमैडिक ट्राइब्स, जो लगातार आए दिन यूरोपियन किंगडम्स के साथ भिड़ते रहते थे, उनके साथ भिड़ंत की वजह से वो गुण भी लेते होंगे, और वो सीरिया के क्षेत्र में घुमंतू चरवाहों की तरह अलग अलग क्षेत्रों में भी पेनेट्रेट करते होंगे, तो यहाँ से शब्द सारसेन उभरता है, ये कल्चर ये लैंग्वेजेस ये सिस्टम ये सारसैनिक हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इस तरह से उन क्षेत्रों के अलग अलग आर्किटेक्चरल फीचर्स मुस्लिम ब्रिगेड्स के साथ जब भारत आ जाते हैं और भारत में विद्यमान पहले से ही अलग अलग फीचर्स के साथ जब समावेश हो जाता है तो आपके सामने उत्पन्न होता है एक मिश्रित फीचर, द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर विद वेरियस कैटेगरीज, कलेक्टिवली यू कैन कॉल इंडो सारसैनिक और यू कैन से द इंडो मुस्लिम स्टाइल। ओके, जब पढ़ने जाओगे
तो इंडस आर्सेनिक के नाम पर जब पढ़ोगे तो ये दिखेगा कि 19th सेंचुरी के समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आर्किटेक्चरल फीचर रिवाइव करके अपनी पब्लिक बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग्स विकसित की गई, जैसे मद्रास हाई कोर्ट, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, जैसे नॉर्थ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटरिएट का, बहुत है इतना, इनको इंडो-सार्सेनिक आर्किटेक्चर कहा गया है। यानी कि सही में अगर आज आपको बिल्डिंगें ढूंढनी है इंडो-सार्सेनिक स्टाइल की, तो आपको ये बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स जो ब्रिटिशर्स के समय में विकसित हुई, तो इसे हम रिवाइवलिस्ट फेज ऑफ इंडो-सार्सेनिक स्टाइल कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एज कम्पेयर टू हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर किस आर्किटेक्चरल फॉर्म पे ज़्यादा रिलाय किया, उसने किसे क्लासिकल आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ इंडिया काउंट किया, द मुगल आर्किटेक्चर। तो इसलिए इंडो-सार्सेनिक को अलग अलग नामों से जाना गया है। कैसे जाना गया है ध्यान से समझिएगा, इस तरह से इसको जाना गया है, इंडो गॉथिक, गॉथिक मुगल, मुगल हिंदू, हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल, मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल, गॉथिक मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये सभी एक ही चीज़ है, इंडो सार्सेनिक। तो सिंपल, अंग्रेजों के द्वारा 19th सेंचुरी में जो भारतीय इमारतों का विकास हुआ, उस इमारतों के विकास में उसने मुस्लिम आर्किटेक्चर अर्थात मुगल आर्किटेक्चर अर्थात इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चरल स्कीम को क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्कीम माना भारत की, ना कि मुस्लिम्स के पहले वाला जो हमारा हिंदू आर्किटेक्चरल स्टीम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था उसको नहीं माना। इसलिए मौजूदा समय में आप देख सकते हैं मेजॉरली जो बिल्डिंग्स विकसित होती रहीं उन बिल्डिंग्स को आप ब्रिटिश बिल्डिंग के प्रभाव से देखते हैं, और उन ब्रिटिश बिल्डिंग्स पे खुद प्रभाव है इंडो सार्सेनिक का। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि पिछले 200 से 250 300 वर्ष में एक निगेशन, एक नखेदी हुई है एंशियंट टेम्पल आर्किटेक्चर सिस्टम की, चाहे प्रिजर्वेशन की बात हो चाहे बढ़ोतरी की बात हो। इसलिए पिछले कुछ 8 सालों से देखा होगा अलग अलग मंचों से अलग अलग पार्टी लीडर्स, अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स और अलग अलग वर्ग आपको कंपेयर करते नजर आएंगे ताजमहल को बहुत सी एंशियंट टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के साथ। आपको टन टन करके आवाज़ सुनाते नजर आएंगे, खंभों के नीचे से कपड़ा निकालते नजर आएंगे, और जो रिलीफ स्कल्पचर्स हैं उनके बीच में से कपड़ा निकालते नजर, मतलब बताएंगे कि लेवल, देखिए लेवल, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बहुत ज़बरदस्त अनगहली की गई, इग्नोर किया गया उस आर्किटेक्चर को। रीज़न इसका ब्रिटिश डोमिनेंस भी था, और हाई लेवल पे प्रमोट हुआ है द इंडो सार्सेनिक, जिसमें फिर यकायक ही प्रमोट हो गया मुगल शैली। लेकिन ध्यान से, मुगल शैली में लिप्त था ना भारतीय शैली के गुण, ये अपने आप में एक मिक्स आर्ट थी। लेकिन चलो, मोहर उनकी थी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ बिल्डिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूँ इंडो सार्सेनिक की। देखिए आपके सामने विक्टोरिया मेमोरियल है, ओके, आपके सामने मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंडो सार्सेनिक स्टाइल। देखिए पूरी फीलिंग आ रही होगी, गॉथिक स्टाइल की फीलिंग आ रही है, द पिनेकल्स, द पीक्स, लेकिन फिर क्या नजर आ रहा है, द डोम्स, डोम्स नजर आ रहे हैं, और ये देखिए अल्टीमेट आर्चेज, आर्चेज, और उसके पीछे क्या है, द पैसेज, द गैलरी, ओके। लेकिन आर्चेज के ऊपर यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं, लिंटल्स, ओके। तो ये आपको सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स नज़र आ जाएंगे। तो इसी तरह से भारत में आप अलग अलग बिल्डिंग्स को देख लीजिएगा, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली आपके सामने है, ठीक है, डोम नज़र आ रहा है, छोटी छोटी परछत्तियाँ, वो छोटे छोटे पैरापेट्स नज़र आ रहे हैं बनाए हुए, ये सारा का सारा मुस्लिम रूफ स्टाइल है, डन। इंट्रो में यही बातों पे जिक्र है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ।